सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और पास वाला घंटा को बजाएं ताकि आपको नया अपडेट का नोटिफिकेशन। मैं आपसे बात करने वाला हूँ फ़ोन का कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट फीचर जो आपका फ़ोन के लिए और आपको जानना बहुत ज़रूरी है और उन फीचर्स को यूज़ करना भी आपका फ़ोन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको एक चीज़ बता दूँ, मेरा फ़ोन Vivo Z1 Pro है। आपके पास अगर Samsung हो, Motorola हो, जो भी कंपनी का फ़ोन है, सब ये जो फीचर्स है, ये फीचर्स दिया जाता है। जैसे आप लेटेस्ट फ़ोन जैसे 2019 का, 2020 या 2018 का जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उनमें जो है ये फीचर्स दिया गया है। तो ये फीचर्स कुछ फ़ोन में, जो ये मेरा फ़ोन में इधर देख सकते हैं आप, आई मैनेजर करके है, दूसरा फ़ोन में स्मार्ट मैनेजर करके भी रहता है Samsung में, और दूसरे फ़ोन में जो ये कुछ मैनेजर नाम से जो आता है। मैं ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं इधर पे देखिए, जैसे स्पेस क्लीनअप, उसके बाद सिक्योरिटी डिटेक्शन, डाटा मॉनिटर वगैरह जो है, आपका फ़ोन का ऑलमोस्ट सभी फीचर्स का जो सेटिंग्स है इसमें आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए मैं अभी इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, करने के बाद मैं दिखाता हूँ ये जो सामने जो फीचर्स है, वन टैप ऑप्टिमाइजेशन, ये आप लोगों को भी बताया, जैसे आपका फ़ोन में कोई ज़्यादा एप्लीकेशन जो है रन कर रहा है, आपका फ़ोन स्लो हो रहा है, तो वन टैप ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, वर्कलोड कम हो जाता है रैम से और आपका फ़ोन जो है अच्छा चलने लगता है। तो एडिशनल फीचर्स में इधर देखिए, ब्लॉक अनवांटेड में क्या होता है, जैसे आप किसी का नंबर जो है ब्लॉक करके रखे, आपको उस नंबर का कॉल या मैसेज जो आपको रिसीव नहीं करना, तो आप इधर पे देखिए ब्लॉक अनवांटेड में जो है आप जाके अपना फ़ोन का जो ब्लॉक लिस्ट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं ऐप इंक्रिप्शन। ऐप इंक्रिप्शन में क्या होता है, आपका कोई भी एप्लीकेशन है, मैं दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट, इधर देखिए ऐप इंक्रिप्शन में क्या होता है, इधर पे देखिए ऐप का लिस्ट आएगा, आप कौन से एप्लीकेशन को जो इंक्रिप्ट करना चाहते हैं। इंक्रिप्ट मीन्स क्या होता है, आपका एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन ब्लॉक हो जाता है, ओनली आप जो है उस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं अपना पासवर्ड से। मैं थोड़ा बेक करके दिखाता हूँ, इधर पे देखिए डिसेबल प्राइवेसी पासवर्ड वगैरह आपको इधर मिल जाएगा। तो आप अगर किसी ऐप को हाइड करना चाहते हैं, इधर देखिए हाइड का ऑप्शन भी है, आप हाइड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट फीचर्स जो है इसका, उसका है फ़ोन कूलिंग। तो फ़ोन कूलिंग में आपको बताया, देखिए मेरा फ़ोन का अभी जो टेम्परेचर है आपको इधर पे शो करेगा, आपके पास अगर ये फीचर्स अवेलेबल है तो आपको ज़रूर शो होगा। देखिए अभी जो टेम्परेचर है नॉर्मल है, और इधर 4 इश्यूज जो है कॉस्ट फोन हीटिंग, फ़ोन का हीट जो है किस लिए ज़्यादा होता है उसका कारण जो इधर पर दिखाया गया है। देखिए दो एप्लीकेशन जो है अभी मेरा फ़ोन में रन कर रहा है, एक तो मेरा रिकॉर्डर जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इधर पर देखिए नीचे CPU और ब्राइटनेस, CPU का इशू से भी जो है फ़ोन हीट होता है और ब्राइटनेस से भी जो है फ़ोन हीट होता है। तो इसका जो इधर पे देखिए वन टच कूलिंग जो है, मैं अगर वन टच करूँगा तो एप्लीकेशन बंद हो जाएगा और मेरा फ़ोन जो है उसका टेम्परेचर जो है नॉर्मल में आ जाएगा। तो अभी तो मेरा फ़ोन का वो नॉर्मल है टेम्परेचर, अभी नहीं चाहिए, तो आपको बस दिखा दिया ये। तो नेक्स्ट फीचर जो दिखा दूँगा आपको, देखिए डाटा बैकअप क्यों चाहिए। डाटा बैकअप सपोज आपका फ़ोन किसी कारण से कुछ सिस्टम से डिलीट हो गया, या आपका कुछ इंपॉर्टेंट फाइल जो है मिस हो गया, तो आप इधर से देखिए Vivo Cloud जो है, Vivo Cloud में आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज दिया जाता है, जैसे आप अपना इंपॉर्टेंट मैसेज, नोट्स या दूसरा कुछ भी जो है आप सेव कर सकते हो उधर पर। उसके अलावा भी आप इधर देखिए फाइल इजी शेयर है, वेब शेयर है, ये वगैरह वगैरह आप इधर पर देखिए 3 जो है फीचर सबको दिया गया है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके अलावा भी आप इधर देखिए स्क्रीन यूसेज टाइम लिखा रहा है कि आपका फ़ोन जो है स्क्रीन यूसेज जो है आपको कितना, कौन सा एप्लीकेशन ज़्यादा किया है। देखिए मैं इधर पे गेम खेलता हूँ जो फ्री फायर, 4 आवर 37 मिनट जो है यूज़ किया है, मैंने मूवी देखा है MX प्लेयर पे, इधर देखिए आपको शो का ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशन का जो है आपको इधर पे डिटेल्स मिल जाएगा जो एप्लीकेशन आप ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उसके अलावा भी आप देख सकते हैं इधर पे देखिए बैटरी मैनेजमेंट। तो बैटरी मैनेजमेंट आपको मालूम है, बैटरी मैनेजमेंट में आपको आपका बैटरी का यूसेज, आपका पावर कंजम्पशन रैंकिंग, आप इधर देखिए हाई बैकग्राउंड पावर कंजम्पशन में ये होता है कि आप अगर कोई ऐसे एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं जो ज़्यादा पावर जो है कंज्यूम कर रहा है आपका फ़ोन का, तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा ताकि आप वो क्लोज़ कर दीजिए। लेकिन अगर आप ये सेटिंग ऑन करते हैं, आप कोई भी एप्लीकेशन को ऑन करेंगे ना, तब क्या होता है वो एप्लीकेशन जो है ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका जो एक्स्ट्रा वर्क भी है उसमें भी रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा, ताकि वो एप्लीकेशन जो है ओवर वर्क नहीं कर सकता आपका फ़ोन में। तो चलिए नेक्स्ट फीचर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें तो आप देख सकते हैं कितना ऑप्शंस जो है दिया गया है। तो नेक्स्ट फीचर्स जो है इसमें देखिए अल्ट्रा गेमिंग मोड। अल्ट्रा गेमिंग में आप सबको मालूम है, अगर आप गेम खेलते हैं तो अभी जो अल्ट्रा गेमिंग मोड में क्या होता है, जब देखिए आपका बैकग्राउंड कॉल नोटिफिकेशन जो है बंद कर देता है ताकि आपके गेम में जो है कोई इंटरप्शन ना हो। आप इधर पे एप्लीकेशन ऐड कर सकते हैं, गेम के एप्लीकेशन आप नीचे ऑप्शन देख सकते हैं प्लस का, इस पर तो बैक करता हूँ। करने के बाद देखिए फाइल सेव, उसके अलावा मोड में जाता हूँ मैं, जाने के बाद इधर देखिए, इधर देखिए वीडियो क्लीनअप, ऑडियो क्लीनअप, डुप्लीकेट फाइल्स। डुप्लीकेट फाइल्स में क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए आप एक पिक्चर जो है क्लिक किया है, पिक्चर क्लिक करने के बाद सेम पिक्चर जो है आपका फ़ोन में है, या वो जो पिक्चर का डुप्लीकेट फाइल्स बन गया है आपका इंटरनल स्टोरेज में, तो डुप्लीकेट फाइल में जाके जो है आप उस फाइल को जो है आप डिलीट कर सकते हैं।
क्लोन। ऐप क्लोन में क्या होता है, अगर जैसे आप मान लीजिए आपको दो व्हाट्सअप चलाना है आपका फ़ोन में, तो ऐप क्लोन से जो है अपना व्हाट्सअप को जो है कॉपी कर सकते करके दो व्हाट्सअप अकाउंट एक ही फ़ोन में जो है चला सकते हैं। और फाइल सेव, फाइल सेव में क्या होता है, देखिए सेम उसकी तरह है जैसे ऐप इंक्रिप्शन के जैसा। तो फाइल सेव में आप देखिए इधर पे वीडियोस पिक्चर्स जो है आप सेव, मतलब आप इधर पे सेव करके रख सकते हैं, मतलब आपका फ़ोन से जो अगर डिलीट हो गया फिर भी जो है इधर पे आपको मिल जाएगा वीडियो डॉक्यूमेंट्स। आप देख सकते हैं इधर पे ऑप्शन से म्यूजिक से लेके जीप्स एपी के जो आप एप्लीकेशन जो है रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है आप इधर पे सेव करके रख सकते हैं। तो ये जो अच्छा फीचर्स है फ़ोन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो उसके अलावा भी आप इधर देखिए व्हाट्सएप क्लीनर, लाइन क्लीनर, लाइन तो आपको एप्लीकेशन मालूम है जो पहले ज़्यादा इस्तेमाल होता था चैट और वीडियो कॉलिंग के लिए। तो ये सब वगैरह जो आपको फीचर्स जो है देखने को मिलता है, ये जो फीचर्स है ये आपका फ़ोन का सामने जो है हाईलाइट नहीं होता, लेकिन आप आई मैनेजर या स्मार्ट मैनेजर जो भी आपका फ़ोन में दिया गया है मैनेजर के नाम से आप उधर पे जाके जो है आप एक्सेस कर सकते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनके पास वीवो फ़ोन है या जो भी फ़ोन है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।